नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे आज आप लोगों के साथ बात करूंगा विंटर स्किन प्रॉब्लम्स एंड जो सर्दियों के में जो हम लोगों का स्किन का जो त्वचा का जो बीमारी होता है उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सर्दी का जो मौसम है जो आने वाला है, जो अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर से ही सर्दी ऑल ओवर द इंडिया में कम या ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। जब हम लोग घर से निकलेंगे, खास करके महिलाएं एंड बच्चे और जो एजेड पर्सन है, उन लोगों का बहुत सारा स्किन का प्रॉब्लम होता है और स्किन में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मल जो हम लोग मॉइस्चराइजर वगैरह वेसलिन वगैरह यूज करते हैं उससे ठीक नहीं होता है। तो इसका क्या क्या मेडिसिन होम्योपैथी में है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और क्या हम लोग घर में और बेटर होम रेमिडीज कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी पॉइंट मिस हो जाने पर भी आपको ऐसा हो सकता है कि वही पॉइंट आपका काम का था, तो लास्ट तक अंत तक मेरे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है ड्राई एंड क्रैक स्किन। ड्राई एंड क्रैक स्किन एक विंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये ज़्यादा देखा जाता है और शहरों में या गाँव में इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेलिटी ये देखा जाता है। तब हम लोग जो करते हैं घर में, सबसे बेस्ट जो होम रेमेडीज आप कर सकते हैं जो है कोकोनट ऑयल। हाँ दोस्तों, नारियल का तेल जो कोकोनट ऑयल है जो जम जाता है सर्दियों में, जैसे पैराशूट का है, सालीमार का है, बहुत सारे अच्छे कंपनी वर्जिन कोकोनट ऑयल आजकल बेच रहे हैं। तो आप कोई भी अच्छा कोकोनट ऑयल लेके अपने जो ड्राई एंड क्रैक्ड एरिया है स्किन के उसमें अच्छा से ओवरनाइट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसको लगा के 5 मिनट तक कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिएगा, ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा, सुबह नॉर्मल पानी से उसको धो दीजिएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहता है जब आप घर से निकलते हैं तब जरूर आप अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइजर, बॉडी ऑयल, कोई भी वेसलिन जैसा लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। और जो खाने का होम्योपैथी का सबसे अच्छा मेडिसिन है, अगर हर विंटर में आपका ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन का प्रॉब्लम आपको सताता है और हर विंटर में चमड़ा इतना क्रैक हो जाता है कि वहाँ पे आपको दर्द होना स्टार्ट कर देता है और आपका लगभग जनरली ये देखा जाता है लोअर लिम्ब्स में, पैरों में ज़्यादा क्रैक स्किन होता है, हील में तो स्किन इतना क्रैक हो जाता है कि कभी कभी खून भी निकल आता है। इसका सबसे अचूक दवाई होम्योपैथी में जो है वो है पेट्रोलियम 30 जो मेडिसिन है। ये आप किसी भी अच्छा कंपनी का विलमार्स होम है इंडिया या SBL का खरीद के लाइए। इसको हर दिन में 4 टाइम 2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ आप जीभ के ऊपर लीजिए साफ मुँह में, और लगातार 5-6 दिन लेने के बाद आप स्टॉप कर दीजिए, 10-15 दिन वेट कीजिए, फिर एक बार रिपीट कर दीजिए। इससे आपका जो ड्राई स्किन का, जो विंटर में जो स्किन ज़्यादा ड्राई होकर फट जाता है वो कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके स्किन में कोई एक्जिमा टाइप का विंटर में या जब ठंडा का मौसम है हो जाता है, एक्जिमा टाइप का पहले से कोई आपका कोई स्किन का बीमारी रहा, विंटर आते आते उसमें सूजन आने लगा और उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पीक या खून टाइप का या एक्जिमा टाइप का कोई भी मॉइस्चर निकलने लगा, तो आपको जो मेडिसिन लेना है वो है सोराइनम 200। ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसीलिए इसका कोई भी अच्छा कंपनी का सोराइनम 200 आप खरीद के लाइए। और सोराइनम 200 का खाली 2 बूंद सुबह खाली पेट में 1 चम्मच पानी में 3 दिन तक ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। इसको लेने के 15 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। इससे आपका जो एक्जिमेटस जो प्रॉब्लम है, जो इचिंग वगैरह हो रहा है, जो मॉइस्चर निकल रहा है वो कम हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किन का एक कॉमन प्रॉब्लम लगभग इंडिया के हर फैमिली में किसी ना किसी को है, वो है चिलब्लेन्स। क्या होता है, हम लोग जब घर में रहते हैं, जो कॉमन आम आदमी है, कॉमन मैन है इंडिया के, घर में शूज़ और सॉक्स वगैरह पहनने का आदत नहीं है, गर्मी प्रधान देश है हम लोगों का, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही नंगे पाँव घर में चलते हैं, जो मार्बल है, टाइल्स है या जो भी हम लोगों का फ्लोर है उसके ऊपर, तो ठंडा में हम लोगों का जो पैरों का जो उंगलियां है वो लाल हो जाता है,
पेन होना स्टार्ट कर देता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग इसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। जनरली जहाँ पे बर्फ़ गिरता है, शायद वो हिमाचल हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, दार्जिलिंग हो जाए, वहाँ पे ऐसा लोगों को होता है। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, बड़े किसी सिटी में रहते हैं और फिर भी विंटर के टाइम में मार्बल एंड टाइल्स या फ्लोर में चलते चलते आपका पैरों का जो उंगली है उसमें आपका लाल हो जाए, इचिंग हो जाए और बहुत ही दर्द करने लगे, बहुत ही परेशान आप हो जाए, तो उसको हम लोग चिलब्लेन्स बोलते हैं। इसका बहुत ही अचूक दवाई होम्योपैथी में है। दो दवाई आपको एक ही साथ यूज़ करना पड़ेगा, वो है एगारिकास 200 एंड रास्टक्स 200। एगारिकास मस्केरियस 200 बोल के एक मेडिसिन आता है और रास्टक्स 200 बोल के होम्योपैथी मेडिसिन आता है। आपको स्क्रीन में उसका पिक्चर्स देख रहे हैं। वो दो दवाई आप दिन में चार चार बार आपको लेना है। हर दवाई वही पहले जैसा नियम है, एक चम्मच पानी में दो बूंद किसी का दवाई का ले लीजिए, उसके तुरंत दो चार मिनट बाद दूसरा दवाई का एक चम्मच पानी में दो या तीन बूंद आप ले लीजिए। दोनों दवाई में पाँच मिनट या दो मिनट का गैप रखिए। दिन में चार बार इसको रिपीट कीजिए और इसको रिपीट करते रहिए लगातार 7 दिन या 15 दिन तक। आपका जो पैरों का जो रेडनेस है, जो इचिंग है, चिलब्लेंस है, वो कम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, अगर वो पैर में जो जहाँ पे चिलब्लेंस हुआ है जिस उंगली में, उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत रेड एंग्री लुकिंग, एकदम लाल सूजन टाइप का वहाँ पे आ गया है, तो इसी एगारिकास एंड रस्टक के साथ आप एक और दवाई ऐड कीजिएगा, बेलेडोना 200। सुबह शाम एक चम्मच पानी में बेलेडोना 200 का दो बूंद आप लगातार 4-5 दिन लीजिए तो एकदम ही कम हो जाएगा। उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल या वैसलीन आप उस जगह पे लगा सकते हैं, इससे और ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम स्किन का हम लोगों का विंटर में होता है, वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ का प्रॉब्लम हर किसी को तो होता ही है, लेकिन विंटर में जिसको ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरे चैनल पे हेयर फॉल्स के ऊपर एक वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। फिर भी मैं इन शॉर्ट एक बार बता रहा हूँ, आप जैबोरेंडी मादा टिंचर आप ले लीजिएगा, किसी भी अच्छा कंपनी का 30 ml का सिल्फाइल, उसमें आप 30 ml ही कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या शालीमार पैराशूट का जो कोकोनट प्योर ऑयल है जो जम जाता है उसको मिक्स कीजिएगा। 30 ml मादा टिंचर, 30 ml कोकोनट ऑयल एक साथ में मिक्स करने के बाद उसको अच्छा से शेक करके हर रोज रात में आप बालों पे लगाइए, हेड मसाज कीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अच्छा क्वालिटी का कोई शैम्पू, SBL का एक बहुत ही अच्छा शैम्पू आता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू, SBL एंटी डेंड्रफ शैम्पू, वो आप सुबह यूज़ कीजिए। आप कुछ दिनों तक लगातार 5-7 दिन करने के बाद आप एक दिन बात बात करते रहिए लगातार, विंटर में आपका डेंड्रफ नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों और एक प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे लोग हैं हाईली सेंसिटिव स्किन होता है उनका, और जो एकदम ही कम एजेड वाले फीमेल्स हैं उनका भी बहुत ही हाईली सेंसिटिव स्किन होता है। जब वो घर से निकलते हैं तब उनका गालों में एकदम ड्राई होके क्रैक हो जाता है, तो घर से निकलने के वक्त अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, या ना कोकोनट ऑयल जो बहुत सारे लोग लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर गालों में एकदम लाल हो जाए, क्रैक हो जाए, दर्द होना स्टार्ट कर दे, तो आप दो मेडिसिन अचूक एकदम है आप लगा सकते हैं, विंटर में ले सकते हैं, वो है पेट्रोलियम 30 के साथ आपको लेना है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 एंड पेट्रोलियम 30 दो मेडिसिन को आपको लगातार 5 दिन तक लेना है। दो मेडिसिन ही आपको हर बार लेना है, एक मेडिसिन का 2 या 3 बूंद एक चम्मच पानी में आप ले लीजिए, उसके तुरंत 1-2 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन का 2 से लेकर 3 बूंद आप एक चम्मच पानी में ले लीजिए। लेने के बाद 4 टाइम इसको सुबह दोपहर शाम रात क्लीन टांग पे इसको रिपीट कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम मैंने बताया, गालों में सूजन, गालों में लाल रेडनेस, क्रैक एंड इचिंग पेन वगैरह, विंटर के लिए ड्राई एंड कोल्ड विंड के लिए ये कम हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे एक वीडियो है एक्यूट काफ कोल्ड एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स का, मेडिसिंस के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर उसको वॉच कीजिए। सर्दी खांसी और जो जुकाम का प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, विंटर के जितने भी सर्दी खांसी, एजेड हो, बच्चे हो, जिनका भी एडल्ट हो, जिनका भी है, आप वहाँ से आप लोगों को मेडिसिंस मिल जाएगा जो लगभग एकदम इनफेलिएबल है। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।